जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। हम इसमें बात करते हैं डिफेंस और ज्ञान से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी के फिजिकल टेस्ट के बारे में। आपने हथियारों के कंपैरिजन तो काफ़ी देखे होंगे इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में, लेकिन कभी भी आपने फिजिकल जो टेस्ट है या शारीरिक क्षमताएँ जो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की, वो आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में। आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें, ये वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए और बहुत ही ज्ञान भरी होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख पाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रनिंग के बारे में, वो रनिंग कितनी मीटर की होती है और कितने टाइम में आपको कंप्लीट करनी होती है। तो हम पहले बात करते हैं पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, वो करनी होती है आपको 8 मिनट में पूरी करनी होती है। और वहीं इंडियन आर्मी की 1600 मीटर की जो रनिंग है आपको 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। और उसके बाद कैंडिडेट को टाइम दिया जाता है 5 मिनट 45 सेकंड तक, लेकिन उसमें के 30 सेकंड के बाद आपके 5 मिनट 30 सेकंड के बाद आपके नंबर कम होते जाते हैं। तो ये है रनिंग कंपैरिजन इंडियन आर्मी और पाकिस्तान। हम बात करते हैं पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी के हाइट के बारे में, कितनी हाइट होनी चाहिए दोनों में भर्ती होने के लिए। तो पाकिस्तानी आर्मी में मिनिमम हाइट भर्ती होने के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनको कुछ छूट दी जाती है दोनों देशों में। तो जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनकी कम हाइट भी हो सकती है, 2 या 3 सेंटीमीटर तक छूट दी जाती है। तीसरा आता है वेट के बारे में, कितना होना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर में और कितना होना चाहिए इंडियन आर्मी के सोल्जर में जब वो भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब के बारे में। तो ये होता है BMI इंडेक्स के अकॉर्डिंग। BMI इंडेक्स क्या होता है ये आपको मैं बता रहा हूँ। BMI इंडेक्स होता है कि किसी की भी हाइट कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग ये वेट बताता है कितना होता है। आप गूगल पर डालेंगे BMI इंडेक्स तो निकल आएगा और आप अपना हाइट डालिए और उसके अकॉर्डिंग आपका ये वेट बता देगा। तो ये और मिनिमम 50 kg तो होना ही चाहिए। बात करते हैं पुलअप्स की, तो पुलअप्स पाकिस्तानी आर्मी के लिए कितनी होनी चाहिए, इंडियन आर्मी के लिए कितनी होनी चाहिए। तो पुलअप्स जो पाकिस्तानी आर्मी के लिए 15 लगानी होती हैं 2 मिनट में, वहीं इंडियन आर्मी के लिए आपको 6 से 10 के बीच में लगानी होती हैं। 6 पे आपको मिनिमम मार्क्स मिलते हैं और 10 पे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। और जैसे ही 6 से आगे बढ़ेंगे 7-8 पे तो आपके मार्क्स थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे और 10 पे आपको पूरे मिलेंगे और 6 पे सबसे कम मिलेंगे। अब बात करते हैं डिच क्रॉसिंग की, मतलब गड्ढा कूदने की। तो पाकिस्तानी आर्मी के लिए में 7 फुट का गड्ढा आपको कूदना होता है, ये सिर्फ पासिंग के लिए होता है, इस पर नंबर नहीं मिलते हैं। वहीं इंडियन आर्मी के लिए आपको 9 फुट का गड्ढा कूदना होता है। अब एक होती है जिग जैग क्रॉसिंग, दोनों ही पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी होती है वो और इंडियन आर्मी के लिए। इसमें सिर्फ पास करना होता है, इसमें नंबर अवार्ड नहीं होते, वो टेढ़ा मेढ़ा चलना होता है, इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है। तो ये थे कंपेरिजन इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब। जय हिंद।